नमस्कार, आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। वन रक्षक भर्ती जो होने वाली है 12 और 13 नवंबर को, उसके लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक कुछ तैयारी नहीं करी है तो इन्हें रट लीजिएगा कृपया, ठीक है। इन्हें फटाफट से आप अभी रटना शुरू कर दीजिए। जो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इससे पहले दो वीडियो डाल चुका हूँ और अभी और वीडियो आने वाली है, तो सबको रट लीजिए कृपया आप सभी लोग, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करता हूँ मैं। जितने भी विद्यार्थी है वन रक्षक वाले और वनपाल वाले, ठीक है, 12 और 13 तारीख को एग्जाम है, तो आप लोग कृपया इसे रट ले एकदम बिल्कुल तरीके से, पीजाए गुट्टी बना करके। मिशन इंद्रधनुष राजस्थान सरकार द्वारा निम्न में से किस हेतु प्रारंभ किया गया है? तो मिशन जो इंद्रधनुष है वो राजस्थान सरकार द्वारा निम्न में से किस हेतु प्रारंभ किया गया है? तो मिशन इंद्रधनुष जो राजस्थान सरकार का अभियान है, तो आप लोगों को पता है राजस्थान सरकार का अभियान जरूर आपके क्वेश्चन आ सकता है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, संपूर्ण टीकाकरण अभियान के लिए। तो मिशन इंद्रधनुष राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया संपूर्ण टीकाकरण अभियान के लिए। अगला क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम का अंतिम संस्कार निम्न में से कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है जो APJ अब्दुल कलाम जो थे पूर्व राष्ट्रपति, सबसे अच्छे जो राष्ट्रपति माने जा रहे थे अब तक, ठीक है, और जो मोटिवेशनल स्पीकर भी मान सकते हो आप लोग इनको, और भारत के सबसे बड़े साइंटिस्ट भी है ये, तो इनका जो है अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? तो रामेश्वरम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रामेश्वरम में। तो रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है, ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये तीर्थ हिंदुओं के चार धामों में से एक है, जहाँ पर दोस्तों इनका क्या हुआ था? अंतिम संस्कार हुआ था। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। उपनाम क्या क्या है दोस्तों APJ अब्दुल कलाम के? तो मिसाइल मैन, जनता के राष्ट्रपति, तो ये आप देख सकते हैं। और डॉक्टर कलाम की जो है पुस्तकें इग्नाइटेड माइंड्स और विंग्स ऑफ फायर, ये इनकी जो है आत्मकथा है, तो आप देख सकते हैं, ये इनकी की बुक भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपको बताना है कि तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है आपका बीकानेर। तो क्या हो जाएगा? बीकानेर। व्याख्या आप देख सकते हैं, यदि बीकानेर के बारे में जानेंगे तो बीकानेर की जो स्थापना की थी राव बीका ने की थी बीका की टेकरी पर 1488 में, और जो यहाँ पर जो बीकानेर का दुर्ग है इसकी नींव किसने रखी थी? तो उसका बात करेंगे तो करणी माता ने रखी थी। जो बीकानेर है, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है पूछा जाता है आपसे लोगों से, तो क्या हो जाएगा? जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी उस समय की, आई छत्रपुर थी। तो ये सारी चीज़ें जो है बार बार में आते रहते हैं। और यहाँ पर और भी है उपनाम, ऊन का घर के नाम से जाना जाता है, ऊँटों का देश, जांगल प्रदेश, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ याद रखिए। मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो मूसी महारानी की जो छतरी, या आपसे पूछ ले 80 कंभों की छतरी कहाँ पर है? मूसी महारानी भी कभी पूछा जा सकता है, और कभी पूछा जा सकता है कि 80 कंभों की छतरी कहाँ है, तो आपका सिंपल सा जवाब होना चाहिए अलवर में है। कहाँ पर है? ये एक ऐतिहासिक छतरी है, 80 कंभों की छतरी है, जैसे कि आपने 84 कंभों की छतरी का नाम सुना होगा बूंदी, 84 कंभों की छतरी बूंदी है, ठीक है। उसी प्रकार अलवर में 80 कंभों की छतरी है मूसी महारानी की, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना मित्रों, याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक अहमित निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई? तो पंचायती राज जो संस्थाओं को जो है संवैधानिक अहमित जो निम्न में से किस संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत दी गई? तो जो पंचायतों को जो है अहमियत दी गई थी, मतलब इनको जो समझा गया था अहमियत दी गई थी, ये किस संविधान संशोधन के तहत दी गई थी? तो ये 73वें संविधान संशोधन में दिया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1992 में, और परिवर्तित हुआ 24 अप्रैल 1993 को परिवर्तित हुआ। तो इस प्रकार आप ये लोग सारी चीज़ें जान कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने इसी अधिनियम के तहत नवीन पंचायत राज अधिनियम 1994 को 23 अप्रैल 1994 को लागू कर दिया था। तो राजस्थान सरकार ने कब लागू किया था इस अधिनियम को, तो आप देख सकते हैं 23 अप्रैल 1994 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रजाति का मूलतः रेगिस्तान से संबंध नहीं है? तो आप लोग बताइए निम्न में से किस प्रजाति का जो एक पौधा है जो कि रेगिस्तान से कोई संबंध नहीं रखता है? रोइडा होगा, डाक होगा, ओग होगा, खेजड़ी होगा। तो क्या होगा? डाक होगा। क्या होगा? डाक। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो डाक इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? डाक इसका सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत के किस भाग में रेट होल खनन का अधिक प्रचलन पाया जाता है। तो रेट होल खनन का, तो सॉरी दोस्तों आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रेट होल खनन का अधिक प्रचलन पाया जाता है भारत में। तो ये पाया जाता है उत्तरी पूर्वी भारत में। कहाँ पाया जाता है? उत्तर पूर्वी भारत में, ठीक है ना। तो उत्तर पूर्वी भारत में जो है रेट होल खनन का अधिक प्रचलन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि से संबंधित शब्द निनाण का निम्न में से क्या तात्पर्य है। तो निनाण आपने सुना होगा, निनाण का क्या तात्पर्य है? तो निराण करना, ठीक है ना। तो पावड़ी खुदाई से जो पेड़ पौधे हो जाते हैं तो उसके आसपास क्या करते हैं? गुड़ाई करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, ठीक है। तो किससे संबंध हो जाएगा? निराई गुड़ाई से संबंधित है निनाण का संबंध, ठीक है। निनाण का निनाई करना, ठीक है, ऐसा कुछ समझ सकते हैं आप थोड़ा, निनाण गुड़ाई से संबंधित है। चलो आपको अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं लेके। तो ये रहा यहाँ पर एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, शानदार क्वेश्चन है। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व मुख्यतः निम्न में से किस प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाया गया है। तो सुंदा माता जो कंजर्वेशन रिजर्व मुख्यतः किस प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाया गया, तो वह बनाया गया है दोस्तों भालू के लिए। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व मुख्यतः निम्न में से किस प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाया गया, तो भालू के लिए बनाया गया। किसके लिए? भालू के लिए बनाया गया। और सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? बीनमाल जालौर में है। कहाँ है? बीनमाल जालौर में। और राजस्थान का आपसे पूछे कि पहला रोपवे कहाँ पर बनाया गया है, राजस्थान का प्रथम रोपवे जो बनाया गया है वो यही बनाया गया है सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व में, यानी कि सुंदा माता जी के मंदिर में। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। खड़मोर या खरमोर पक्षी निम्न में से किस जिले में मुख्यतः देखा जा सकता है। तो खड़मोर और मोर अलग होता है, खड़मोर और मोर अलग अलग होता है, तो ये आप याद रखिएगा। तो खड़मोर कहाँ पर देखा जा सकता है मुख्यतः, किस जिले में देखा जा सकता है? तो खड़मोर जो है प्रतापगढ़ में मुख्यतः देखा जा सकता है। तो ये देख सकते हैं खड़मोर, ठीक है। इसका अलग अलग उपनाम भी है, चीनी मोर, केर मोर, ये देख सकते हैं। खरमोर का वैज्ञानिक नाम आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, शांडा यानी कि स्पाइनी टेड लिजार्ड। शांडा यानी कि स्पाइनी टेड लिजार्ड निम्न में से कहाँ बहुतायत में पाया जाता है। तो निम्न में से कहाँ बहुतायत में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ताल छापर अभ्यारण्य है ना जो चूरू में, तो यहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ताल छापर में पाया जाता है। शांडा निम्न में से कहाँ बहुतायत में पाया जाता है, तो फिर से याद रखिएगा ताल छापर चूरू में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल को मालाणी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो मालाणी नस्ल एक बहुत ही अच्छी किस्म की नस्ल है जो मालाणी प्रदेश में पाई जाती है। मालाणी प्रदेश का मतलब बाड़मेर की तरफ पाई जाती है। तो आप लोग बताइए मालाणी नस्ल का जो नाम से जो प्रसिद्ध है वो बताइए। तो थार पारकर गाय को जो है ये नस्ल कोई जो है मालाणी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? थार पारकर नस्ल की गाय को जो है मालाणी के नाम से भी जाना जाता है, थारी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिए, कभी थारी, कभी मालाणी, कभी थार पारकर, तीनों नाम एक जैसे ही है। चलो अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा गठित 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन हैं, मतलब कौन थे। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं या इसको काट भी सकते हैं, ठीक है ना, इसको हटा दीजिए, ये नहीं पूछे जाने वाला। निम्न में से सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित राज्य कौन सा है। तो फ्लोराइड से प्रभावित जो राज्य है वो कौन सा है सबसे ज़्यादा, तो ये है राजस्थान। क्या है? तो आप लोगों ने जो है नागौर और अजमेर के मध्य एक पट्टी का नाम सुना होगा, कुबड़ पट्टी। वह कुबड़ पट्टी फ्लोराइड से संबंधित ही है। तो आपसे पूछा जाए कि कुबड़ पट्टी किन किन जिलों के मध्य है, ऐसा क्वेश्चन कभी आए आपके लिए, तो अजमेर और आपका हो जाएगा नागौर के मध्य कुबड़ पट्टी है, ये फ्लोराइड से संबंधित है। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध निम्न में से किस जिले से। तो स्वतंत्रता सेनानी थे सागरमल गोपा, इनका संबंध था जैसलमेर से। किससे? जैसलमेर से इनका संबंध था। तो ये आप याद रखिए, इन्होंने बहुत सारी पुस्तक लिखी थी, इन्होंने एक गुंडा राज, ठीक है,
तो ये सागरमल गोपाल जैसलमेर में गुंडा राज रघुनाथ सिंह का मुकदमा आज़ादी के दीवाने, ये इनकी पुस्तकें थी। आपसे पूछा जा सकता है कभी भी किस जैसलमेर में गुंडा राज रघुनाथ का रघुनाथ सिंह का मुकदमा और आज़ादी के दीवाने, पुस्तकें इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी और इन्हें जो है जिंदा जला दिया गया था मिट्टी का तेल छिड़क करके। तो आपसे कभी पूछा जा सकता है ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जिन्हें जो है मिट्टी का तेल छिड़क करके जिंदा जला दिया गया था, तो वह थे सागरमल गोपाल जिनका संबंध है जैसलमेर से। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चार संख्याओं में से, आप लोग देख लीजिए इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, चार संख्याओं में से, अब मैथ के क्वेश्चन आ गए ना, अब ध्यान दीजिए, चार संख्याओं में से प्रथम तीन का औसत, चार ऐसी संख्याएं हैं जिनमें प्रथम तीन का औसत कितना आ रहा है 25 है तथा अंतिम तीन संख्याओं का औसत 29 है, यदि उनमें अंतिम संख्या 31 हो तो प्रथम संख्या क्या होगी। तो आपको बताना है प्रथम संख्या क्या होगी, यदि अंतिम संख्या 31 है तो प्रथम संख्या क्या होगी। ठीक है ना, सारी चीज़ें आप लोग बताएंगे। औसत, तो औसत कैसे निकालते हैं, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो आप क्या करो, प्रथम तीन संख्याओं का योग, तो प्रथम तीन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तीन से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों का क्या है औसत क्या है आप लोगों को बताएं, राशियों की संख्या इंटू औसत को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया पहले तीन संख्याओं का योग निकालने के लिए। तो राशियों का योग कितना आ गया 75। अंतिम तीन संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, तीन संख्याएँ तो तीन तो संख्या तो हो गई तीन, क्योंकि लास्ट तीन संख्या के बारे में बात किया, उनका औसत कितना है 29, तो 29 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 87 हो गया। तो अंतिम संख्या कितनी है 31, क्या करता हूँ मैं, 31 अंतिम संख्या है, तो क्या करेंगे यहाँ पर सिंपल सा आगे कि जो कि प्रथम संख्या 75 माइनस 87 प्लस 31, तो इस प्रकार ये करोगे आप तो क्या आने वाला है, तो आप लोग देखेंगे तो 19 आ जाएगा। तो प्रथम संख्या जो है वह क्या है 19 है। ठीक है ना, सिंपल सा आगे एकदम बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग। आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप ले सकते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोणों ए बी सी का अनुपात ए 3:4:5 है तो उनमें कोण बी का मान होगा, तो आपको कोण बी का मान बताना है। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, तो आप ध्यान रखिए, आप सभी को एक्स मान लीजिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 तो होता ही है, तो सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, चाहे कोई सा भी त्रिकोण हो, त्रिभुज हो, ठीक है ना, चाहे समकोण हो चाहे बहुभुज हो, किसी प्रकार का हो, सबकी कोणों का योग कितना होता है 180। तो क्या मान लेता हूँ मैं, 3x + 4x + 5x = क्योंकि यहाँ कोणों का योग बताया गया है, तो ये अनुपात 180 के बराबर, तो 12x = 180, x = 15। यहाँ पर पूछा गया है बी का मान क्या होगा, तो बी का मान क्या है 4, तो 4x को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, सिंपल ये चीज़। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी जयपुर से बुधवार को सुबह 8:20 AM मतलब सुबह पर रवाना होकर शुक्रवार को सुबह, मतलब बुधवार को शुरू होती है जयपुर से कोई रेलगाड़ी सुबह के 8:20 पर, रवाना होकर शुक्रवार को सुबह 5:10 AM पर चेन्नई पहुंचती है, तो वह चेन्नई पहुंच जाती है दक्षिण राजस्थान में, ठीक है, दक्षिण भारत में, ठीक है, तो ये यहाँ पर पहुंच जाती है। तो आगे बोला गया है तो सफ़र में लिया गया समय कितना है, तो सफ़र में जो समय लिया गया है वो आपको बताना है, तो सफ़र में किसी समय लिया गया, तो बुधवार को 8:20 से चलती है से शुक्रवार को 8:20 तक कितने घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, हुए कि नहीं हुए, क्योंकि बुधवार से गुरुवार, गुरुवार से शुक्रवार, तो 24 घंटे कितने हो गए 48 घंटे हो गए सीधा। पर ये क्या करता है 5:10 AM में पहुंच जाता है, तो इसमें से घटाया तो कितना आ जाएगा 3:10 आ जाएगा, तो 48 में से क्या करो 3:10 घटा दो, तो आपके सीधा सा आंसर आ रहा है, सिंपल सा, इसमें कौन सी बड़ी बात आ गई, ठीक है ना। तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, महाविनिष्क्रमण किसके जीवन से संबंधित घटना है, तो आपको बताना है महाविनिष्क्रमण किसके जीवन से संबंधित घटना है, तो ये किसके जीवन से संबंधित है, तो बुद्ध के संबंध से, किसके संबंध से संबंधित है, बुद्ध के जीवन से, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था कितने वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से असंगत बताइए, असंगत कौन सा है इन चारों में से, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग समझ सकते हैं, असंगत बताना है आप लोगों को, तो असंगत क्या हो जाएगा चक, क्या हो जाएगा चक, असंगत है और सभी संगत है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नगर के संबंध में प्रचलित शब्द आरडी से तात्पर्य है,
तो आरडी से क्या तात्पर्य है, इंदिरा गांधी जो नहर संबंधित है उससे, तो उससे संबंधित है नहर की लंबाई को मापने की इकाई। तो जो आरडी जो है यहाँ पर, आरडी क्या है, एक ये नहर की लंबाई को मापने की एक क्या है, इकाई है, नहर की लंबाई को मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, देखो सिंपल सा के इसको मल्टीप्लाई करना है आपको कि 0.09 को 1.09 से मल्टीप्लाई करो। तो सीधा सिंपल क्या करोगे आप, इतना ज़्यादा कुछ मत करो, आप सीधा 109 लिख लो, ठीक है, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा। तो 9 नाम का 81, 81 का 1, 8 तो 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता, 81 और 9 को सीधा ऐसे लिखो, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पर पॉइंट गिन लो, तो 2 पॉइंट इधर है, 2 पॉइंट इधर है, तो क्या करो यहाँ पर पॉइंट आना चाहिए, तो ये सिंपल सा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो चार पॉइंटों के पॉइंट की कहाँ आना चाहिए, चार, ये देख लो, दो इधर है, दो इधर, तो चार हो गए, तो ये आना चाहिए, क्योंकि जीरो लगा लो, अरे क्या हो गया, तो अपना आंसर हो जाएगा ये, सिंपल सा ऐसे करना है। इसी जो व्याख्या कर रही है इसको भी छोड़ो आप, तो सिंपल तरीका बता रहा हूँ। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो रबी की फसल नहीं है, अब रबी को कैसे याद करोगे, मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। रबी एक छोटा सा शब्द आ रहा है, रबी क्या है, एक छोटा सा शब्द है, और गेहूँ भी क्या है, एक छोटा सा शब्द है, तो रबी जो है गेहूँ के साथ है, तो रबी की फसल कौन सी है, गेहूँ है। अब गेहूँ के साथ कौन कौन सी फसल आती है उसे मिलान कर सकते हो, गेहूँ मतलब सर्दी की फसल है, तो सर्दी की कौन कौन सी फसल है, सरसों भी सर्दी की फसल है, ठीक है, तारामीरा भी सर्दी की फसल है, अभी बोई जा रही है, मेथी भी अभी बोई जा रही है, कि एक ज्वार है जो बरसात के दिनों में बोई जा रही है, तो ये खरीफ की है, तो सीधा सिंपल सा आंसर हो जाता है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा मतलब माइंड में लोगे ना आप, कि रबी छोटा शब्द आ रहा है तो गेहूँ के साथ चला जाएगा, ठीक है, तो वो चीज़ें आप देखोगे ना तो सिंपल लगेगा आपको। अब यार ज़्यादा पता पच्ची करोगे तो थोड़ा आपको कठिन लगने वाला ही है, फिर उसकी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ क्षेत्र में किस वृक्ष के फूलों का उपयोग देसी शराब बनाने में किया जाता है, तो जो मेवाड़ क्षेत्र है इस वृक्ष के फूलों का उपयोग किस में करते हैं, देसी शराब बनाने में, जो टल्ली वही रहते हैं ना, आपने देखा होगा पीपवा के 40 रुपये का गूमर, तो वैसे नहीं करना है अपन को, अपन को पढ़ाई करनी है। तो मेवाड़ क्षेत्र में किस वृक्ष के फूलों का उपयोग देसी शराब बनाने में किया जाता है, तो महुआ, तो महुआ का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि महुआ से जो है इसका उपयोग जो है देसी शराब बनाने में किया जाता है। इसके साथ साथ महुआ को ग्रीष्म ऋतु आते हैं तब इसको ठंडाई रखने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल कौन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल कौन है, तो भारत की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और आप देख सकते हैं अभी राष्ट्रपति भी बन गई है, ठीक है ना, अभी क्या बन गई है, राष्ट्रपति भी बन गई है। ये राजस्थान की द्रौपदी मुर्मू भारतीय राजनीति की और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, तो आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं सभी को पता है, बेणेश्वर धाम। यहाँ पर दोस्तों तीन नदियों का संगम होता है, आपसे बहुत बार पूछा जाता है, सोम, माही और जाखम, तीनों नदियों का संगम कहाँ होता है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, आपसे कभी हमेशा पूछे जाए, तो ये यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ लगता है, बेणेश्वर मेला, तो ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर से पश्चिम की ओर बिजली की ट्रेन चल रही है, जयपुर से पश्चिम की ओर बिजली की ट्रेन चल रही है तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगी। अब देखो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन तो इन्होंने बढ़ा दिया, पर लोग क्या करेंगे इसमें भी दिमाग लगाने लग जाएंगे, अरे इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस होना चाहिए, दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर आना चाहिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे कि जयपुर से पश्चिम की ओर बिजली की ट्रेन, तो क्या बिजली की ट्रेन में धुआं निकलता है, निकलता देखा था कि आपने, धुआं छोड़ती नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी भी दिशा में धुआं हुआ नहीं जाएगा, सीधा सिंपल सा आंसर है, ठीक है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, ऐसे सिंपल सिंपल तरीके से आपको कुछ करना होगा तभी आपका काम बन पाएगा। 24 विद्यार्थियों की लाइन में संजय अमित से 7 स्थान पहले खड़ा है, यदि अमित का क्रमांक प्रारंभ से 17वां है तो संजय का क्रमांक अंत से क्या होगा, तो सिंपल जल्दी जल्दी कर लीजिए आप लोग, और आप ठीक है, तो 15 इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे सिंपल सा आप करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, तो अमेरिका द्वारा हिरोशिमा नागासाकी सीमा पर आप लोगों को पता है कि बम कब गिरवाया गया था,
तो ये तीसरा जो युद्ध चल रहा था उस समय, तो 6 अगस्त 1945 को क्या हो जाएगा, 6 अगस्त 1945 को जो है गिरवाया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, सॉरी तीसरा नहीं, तीसरा तो हो सकता है, ठीक है, दूसरा में द्वितीय विश्व युद्ध में दौरान गिरवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते, तो कौन सा महाद्वीप है ऐसा जिसमें सरीसृप नहीं पाया जाता, तो वो है अंटार्कटिका, कौन सा अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसमें। अगला क्वेश्चन है, चेतक परियोजना किससे संबंधित है, तो चेतक परियोजना सीमा सड़क संगठन से संबंधित है, किससे संबंधित है, सीमा सड़क संगठन से, चेतक परियोजना किससे संबंधित है, सीमा सड़क संगठन से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान दिवस मनाया जाता है तो प्रत्येक वर्ष राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, और 30 मार्च को मनाया जाता है इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं कि 30 मार्च 1949 को जो है बड़ी बड़ी रियासतों को एक साथ मिला लिया गया था, उसी दिन जो है राजस्थान जो नाम दे दिया गया था किसके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, तो उसी के दिन से जो वृहत राजस्थान का नाम दिया था उसी दिन से फिर जो है राजस्थान दिवस से उसी को मान करके राजस्थान दिवस, क्योंकि राजस्थान का लगभग पूरा निर्माण हो चुका था उस दिन, तो उसी दिन को माना जाता है राजस्थान दिवस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ निम्न में से कहाँ स्थित है, तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है ये आपको बताना है, तो निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वह है सलेमाबाद में, कहाँ पर है, सलेमाबाद में है निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ, ठीक है ना। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, सलेमाबाद अजमेर में, कहाँ है, सलेमाबाद अजमेर में है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है, झरिया किस के लिए प्रसिद्ध है, तो झरिया किस लिए प्रसिद्ध है, तो झरिया जो है कोयले की खदानों के लिए प्रसिद्ध है, झरिया किस लिए प्रसिद्ध है ये पूछा जाता है आप लोगों से, तो झरिया किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर, झरिया जो है कोयले की खदानों के लिए प्रसिद्ध है, झरिया झारखंड अपनी समृद्ध कोयला संसाधन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हल सोटी क्या है, तो हल सोटी वर्षा से पहले खेत तैयार करना है, हल सोटी क्या होती है, वर्षा से पहले खेत को तैयार करना हल सोटी कहलाता है। हमेल आभूषण कहाँ पहना जाता है, दोस्तों ये आभूषण भी मैंने भी पहली बार सुना है तो आप लोग भी याद रखिएगा, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है आपकी परीक्षा में, क्योंकि दोस्तों RSMSS भी एक ऐसा बोर्ड है जो किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, तो इसलिए आप लोग सोचिए मत कि जो है ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। हमेल आभूषण जो है गले में पहना जाता है। इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट निम्न में से कौन सा है, तो इंदिरा गांधी का जो है नहर का जो 0 पॉइंट है वो मोहनगढ़ है, कौन सा है, मोहनगढ़। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा जीरा किस फसल का दूसरा स्थानीय नाम है, घोड़ा जीरा जो है किस फसल का स्थानीय नाम है, तो घोड़ा जीरा जो है इस बगोल का जो है क्या है, स्थानीय नाम है, ठीक है ना। इस बगोल क्या काम आता है, औषधि फसल है एक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है वो आप लोगों को बता देता हूँ, चलिए थोड़े से और क्वेश्चन बच रहे हैं। राजस्थान में कार्यरत भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का चयन कौन करता है, तो जब आप बताइए कि राजस्थान में कार्यरत भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का चयन कौन करता है, तो इसका चयन कौन करता है आप लोगों को बताइए, UPSC करता है कि नहीं करता है, UPSC करता है, ठीक है ना, UPSC इसका चयन करता है तो वन अधिकारियों का, तो ये रहा इसका आंसर UPSC। चलो अगला क्वेश्चन है, संभाग स्तर पर वन विभाग में किस स्तर का अधिकारी प्रभावी मुखिया होता है, तो दोस्तों देखो मैं वनपाल वन रक्षक के जो संबंधित क्वेश्चन है वेस्ट टाइप के क्वेश्चन ला रहा हूँ, क्योंकि ये यहीं से तो क्वेश्चन बनेंगे, आपकी एग्जाम किसकी है, तो आपकी एग्जाम इसी की है, तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और ज़रूर आएंगे यहाँ से। यदि आप 12 और 13 तारीख को एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप कान खोल के सुन लेना, रट लेना इन्हें और अपने दोस्तों को भी रटवा लेना। संभाग स्तर पर वन विभाग में किस स्तर का अधिकारी प्रभावी मुखिया होता है, तो वो होता है मुख्य वन रक्षक, क्या हो जाएगा, मुख्य वन रक्षक प्रभारी होता है। भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का चयन के पश्चात प्रशिक्षण कहाँ होता है, तो भारतीय वन सेवा के जो अधिकारी है वो उनका चयन तो कर लिया पर उनका जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण कहाँ पर होगा, तो उनका ट्रेनिंग कहाँ पर होता है, IGNFA, कहाँ होता है, IGNFA, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, IGNFA, तो ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है, एक बांस का बाग 1/4 काले रंग से, 2/5 बाग हरे रंग से तथा शेष 21 मीटर लाल रंग से रंगा हुआ है, बांस की लंबाई क्या है? तो आप बांस की लंबाई निकालिएगा। कैसे निकालोगे? एक बांस का बाग 1/4 काले रंग से, 2/5 बाग हरे रंग से तथा 21 मीटर रंग लाल रंग से रंगा हुआ है। तो सिंपल सा कि आप इसको क्या मान लो, एक्स मान लो। माना बांस की लंबाई क्या है? एक्स है। काले रंग से रंगा हुआ 1/4, हरे रंग से रंगा हुआ 2x/5। इस प्रकार आप करोगे तो टोटल एक्स, आप एक्स की मान लो तो यहाँ पर एक्स में से पूरा घटा था, ये पूरा तो एक्स है, उसमें से आप ये घटाएंगे कि इतना इतना क्रिया। तो आप सिंपल सा इसका जो एलसीएम वगैरह ये लोगे तो आप इस प्रकार एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 60 आ जाएगी। ठीक है ना, सिंपल है। एक रुपये में कितने आने होते हैं आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक रुपये में कितने आने होते हैं? तो एक रुपये में जो है कितने आने हुआ करते थे? 16 आना हुआ करते थे। ठीक है, एक रुपये में कितने आना? 16 रुपये। एक रुपया में कितने? 16 आना। या और एक रुपये में कितने पैसे होते थे उस समय? 64 पैसे। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, एक रुपये में कितने पैसे होते थे, सीधा ऐसे पूछे तो 64 पैसे, और आप लोगों से पूछे कि एक आना कितने पैसों से मिलकर बनता है, एक आना कितने पैसों से मिलकर बनता है? तो 4 पैसों से मिलकर बनता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, थोड़ा काम आने वाली है। तो ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग याद रख लेना। ठीक है, राजस्थान के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? ठीक है, तो ये चीज़ को छोड़ दीजिए आप। अगला, पीला पोमचा क्या काम आता है? तो पीला पोमचा क्या काम आता है? ओढ़ने के लिए। पीला पोमचा क्या काम आता है? ओढ़ने के लिए काम आता है पीला पोमचा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल होता है? तो ये साइंस का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार है। ठीक है, बार बार में आता रहता है ये, चाहे चींटी का डंक हो चाहे मधुमक्खी का डंक हो, सभी में जो है एक ही जैसा अम्ल होता है, वो होता है फॉर्मिक अम्ल लगभग। ठीक है ना, बिच्छू वगैरह के में, इनके में। तो शहद के जो मधुमक्खी का जहर होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है, ये लाल चींटियों, शहद की मक्खियों, बिच्छू, बर्रों के डंगों में पाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आप लोगों के लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन थे। और आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन कैसे लगे आप एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, और भी सारे बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, क्या आप तैयार है? यदि तैयार है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और ये 12 और 13 तारीख की जो परीक्षा है वनपाल की, वन रक्षक की, तो उसके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं आप लोगों के लिए। एक एक प्रश्न में ढूंढ ढूंढ करके अच्छे से अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, इससे अच्छा क्वेश्चन आपको कहीं और जगह नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है। आप लोग इस वीडियो को यदि एक बार में रटने में नहीं आ रही है तो दो बार ज़रूर देख के जाएँ। धन्यवाद।